एक सवाल जो बिहार के बच्चों का आता है वो ये आता है कि वोकेशनल कोर्स और उनके ट्रेडिशनल कोर्स में क्या फर्क है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है जिसे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, खासतौर पे गांव के बच्चे। वो सीधी बात करते हैं कि मुझे बीए करना है, बीएससी करना है। क्यों बीए करना है, बीएससी करना है? भाई पापा भी वही किया था, दादाजी ने भी वही किया था। भैया मेरे, बेटा मेरे, जो पापा किए, जो दादा किए, तुम भी वही करोगे तो कौन सा बड़ा तीर मार लोगे? या बीए करके, बीएससी करके किस तरह की जॉब के साधन उपलब्ध है? आप बीए के स्थान पर बीबीए करो ना, देखो कितने अच्छे से आपका बैंकिंग कंपनियों में अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। ई कॉमर्स कंपनियां आज जो अपग्रेड, अनअकैडमी, बायजूस और ये बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये जो हायरिंग कर रही है, ओला, ओयो और ये अभी जोमेटो, इसने हायर किया 8 लाख के पैकेज पर। तो ये सारे जगहों पर कौन जा रहे हैं? बीए वाले जा रहे हैं। यहाँ पर बीबीए वालों के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, बीबीएम वालों के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। बीबीए बीबीएम एक ही कोर्स का नाम है, कंफ्यूजन ना किया जाए। जैसे बीएससी आईटी और बीसीए, ये भी एक ही कोर्स का नाम है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि बीएससी आईटी करें कि बीसीए करें। मैं कहता हूं कि सिर्फ सिलेबस देखो, जिस विश्वविद्यालय का, जिस कोर्स का सिलेबस जिस सब अच्छा हो। जैसे स्पष्ट बात है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में बीसीए का सिलेबस 1996 में बना था, आज तक रिवाइज नहीं हुआ। जब मगध विश्वविद्यालय था तब बना था, और बीएससी आईटी का सिलेबस बना 2012 में। तो जो सिलेबस 2012 में बना है वो थोड़ा एडवांस है, लेकिन अगर एडवांस सिलेबस पढ़ना है तो बच्चों को भी एडवांस होना पड़ेगा। तो बीएससी आईटी में उन्हीं छात्रों को लेंगे जो टेक्निकली मैथ्स में, इंग्लिश में थोड़ा बेहतर हो, वो अच्छा करेंगे, वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और पीछे जो हमारे विज्ञापन आए थे उसमें बच्चों ने देखा कि किस तरीके से बीएससी आईटी के छात्रों को बहुत अच्छा प्लेसमेंट प्राप्त हुआ है। चाहे कृष्ण कुणाल मिश्रा, कितना पैकेज मिला था? 23 लाख का पैकेज मिला था। बिहार के बच्चों को मिले सिविल संस्थान से, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। इससे हमारा सीना चौड़ा होता है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच का सीना तो मुझे समझ में आता है कि वो क्या कहना चाह रहे होते हैं। जब मेरे लिए, मेरा बच्चा, और मैं बच्चा बोल रहा हूँ तो मेरे बच्चे जो घर पर हैं और जो संस्थान पर हैं वो सब मेरे बच्चे हैं, मैं सबका गार्जियन हूँ। और जब मेरा बेटा, मेरी बेटी, यानी मेरा स्टूडेंट, जब वो इस तरह के मुकाम पर पहुंचता है तो मुझे वही खुशी होती है जो उसके फादर को हो रही होती है। जैसे एक बाप हमेशा चाहता है कि बेटा उससे भी आगे निकल जाए, तो मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट मेरे से भी आगे निकल जाए, बहुत आगे जाए। हाँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और कृष्ण कुणाल अकेला नहीं, इस बार एक लंबी लिस्ट निकल के आया जिसमें कि कई बच्चे जो कि 18-20 लाख के पैकेज। कोविड में ये आईटी सेक्टर में और जो फाइनेंशियल सेक्टर है इसमें बूम आ गया है। आप देख रहे हैं दुनिया के स्टॉक मार्केट, चाहे अमेरिका का स्टॉक मार्केट हो, चाहे इंडिया का स्टॉक मार्केट हो, बड़ा बूम पे है, तेजी पर है। इस कारण से फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब्स बढ़ गए। और दूसरी तरफ जो आपका आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर ने दुनिया के सारे सेक्टर में एंट्री कर ली है। अब न्यूज रिपोर्टिंग भी जो है वो ज्यादा आईटी में हो रही है, ऑनलाइन वर्जन आ रहा है। हमारे साथ ये आईनेक्स के अखबार के हैं और इनका आईनेक्स जितना ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं अखबार के फॉर्म में, उससे ज्यादा अब इनका ऑनलाइन वर्जन लोग पढ़ रहे हैं, लोकप्रिय हो गया है। तो ये अब डिजिटल का जो दौर है, और आज मैं बच्चों के बीच में डिजिटल मार्केटिंग का एक खजाना देने वाला हूँ। मैंने उनको बोला है कि अपना सबसे ज्यादा कैपेसिटी का वो हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क लेकर के आएंगे, और हमने पूरा एक कोर्स बनाया है। वो कोर्स बच्चों को हम लोग ने पूरा उनको रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं, ताकि वीडियो एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, उसके अलावा जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, गूगल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन, ये जो सोशल मीडिया, ह्यूमन रिसोर्स जो होता है, जो कि हायरिंग कैसे की जाए, अपना रिज्यूमे को कैसे बिल्डअप किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा वो लिंक्डइन वगैरह पर वो आगे बढ़े। हाँ, तो ये सारी चीजें मैं आज बच्चों के बीच में करूंगा, हम लोग सारी बातें करें।